You are watching my nice academy channel. Please like, share and subscribe with others. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 Mathematics Punjab Textbook Board Chapter Number 3 Exercise 3.2 Question Number 9 The sum of two integers is 194. One of them is minus 28. Find the other integers. Challenge. टू इंटीगर्स की जिनकी जो है 194 है और वन ऑफ देम इज माइनस 28 चल सॉल्व करते हैं जी. फर्स्ट इंटीगर क्या है हमारे पास माइनस 28 sum of two integers क्या है 194. फाइंड क्या करना है हमने सेकेंड इंटीगर ये हमने मालूम करना है. फर्स्ट करो सपोज करो suppose that double p आएगा इस पर so that के second integer जो है वो x है तो क्या होगा x क्या करना है sum x plus minus 28 is equal to 194 के हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं. अब क्या है प्लस माइनस 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 28 is equal to 194 x माइनस 28 इसको इस साइड पर ले जाने के लिए क्या करेंगे इसका अपोजिट कर देंगे 194 प्लस 28 दोनों तरफ इसको लिख देंगे ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 194 और 28 222 अब इस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ वेरीफाई करने के लिए ना क्या है कि टू 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 प्लस माइनस 28 ये वैल्यू लिखी हमने ये आ गया एक्स की वैल्यू लिख दी टू टू प्लस माइनस माइनस 28 तो ये आ जाएगा 194 आंसर ठीक है तो ये हमारा आंसर ठीक हुआ ये वेरीफाई भी हमने कर लिया इसको. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है राबिया आस्ट हर मदर यहाँ पढ़ लेते हैं राबिया आस्ट हर मदर टू होल्ड हर सेविंग राबिया ने अपनी माँ से कहा कि वो उसकी सेविंग को अपने पास होल्ड कर ले रख ले एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई हर सेविंग वाज 100 जुलाई के शुरू में उसकी जो सेविंग थी वो 100 रुपये थी एट द एंड ऑफ जुलाई शी एडेड 250 मोर इन हर सेविंग उसने शुरू में तो 100 रुपये सेविंग की और उसके बाद एंड पर जाकर उसने मजीद कितनी सेविंग की 250 की
In the month of August, she borrowed 185 to spend. उसने 185 रुपीस किस में खर्च किए? अगस्त में खर्च कर दिए. What is the remaining or owed amount? उसकी remaining amount कितनी है? Very very simple answer. सवाल है यार क्या है कि saving in July starting कितनी? 100 रुपीस. और saving एंडिंग में क्या है जुलाई के? वो 250 है. टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी जुलाई? टोटल सेविंग जुलाई वो रहेगी 250 प्लस 100 इज इक्वल टू 350 आरएस. टोटल ये उसकी सेविंग है. अब इसने स्पेंड कितने किए? स्पेंड इन अगस्त 185. तो इसमें से ये पैसे निकाल देंगे तो कितने रह जाएंगे हमारे पास? रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी? रिमेनिंग कितनी रह जाएगी? बाकी रकम रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी रह जाएगी? 350 माइनस 185. तो ये कर लेते हैं हम 350 185 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा. 10 5 या 14 8 गया 8 2 तो 6 इधर 2 1 165 उसकी अमाउंट रिमेनिंग रह गई. 165 उसका आंसर आ गया. अब जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 क्वेश्चन नंबर 11. On Sunday morning, the temperature of Faisalabad city was 45 degree. बिल्कुल वैसे भी इतना ही होता है, ठीक है, गर्मियों में. It drops 3 degree per hour due to weather condition. ठीक है, होता नहीं है, लिखा है तो कर लेंगे इसको. What was the total change in temperature after 5 hour? ठीक हो गया. हर घंटे बाद 3 degree कम हो रहा है तो 5 घंटों के बाद कितना होगा? 3 को 5 से ज़रब दे लेंगे तो वो 15 आ जाएगा. 15 में से ये माइनस कर देंगे 45 में से तो 30. ये तो सीधा सीधा जवाब है इसका. क्या है टेम्परेचर? क्वेश्चन नंबर 11. टेम्परेचर ऑफ फैसलाबाद. अच्छा, सवाल बनाने वाला भी जो है ना, ये लगता है फैसलाबाद का ही है. 45 डिग्री सेंटीग्रेड सही लिखा है. अभी तो खैर 45 को ये क्रॉस करता है, 50 के इर्द गिर्द रहता है. चले टेम्परेचर चेंज आफ्टर 1 hour कितना? ये 3 degree का. टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 hours वो कितना है? 5 hours के तो क्या होगा? 5 multiply by 3 ये तो ये 15 degree हो जाएगा. एक घंटे में तो 3 degree कम होता है तो 5 घंटे में इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास टेम्परेचर निकल आएगा 5 घंटे के बाद का. तो करंट
मौजूदा टेम्परेचर क्या होगा? 45 माइनस करंट टेम्परेचर, यानी कि मौजूदा टेम्परेचर 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ और एक्सरसाइज भी खत्म हुई। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।